नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के रुझान सामने आ रहे हैं। ममता दीदी एक बार फिर से, जी हां, बंगाल जीत रही है। आपको बता दें कि लगातार जो रुझान सामने आ रहे हैं, ममता दीदी यानी कि टीएमसी आगे चल रही है और बीजेपी बहुत पीछे है। इस बीच आपको बता दें कि ममता बनर्जी को अब बधाइयाँ भी मिलनी शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से ममता बनर्जी को बधाइयाँ मिल रही है। राजद की तरफ से भी बधाइयाँ दी गई है। राजद के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने बधाई देते हुए क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी को, एक बार आप सुनिए। बंगाल चुनाव के मतगणना में अभी तक के रुझानों में यह स्पष्ट दिख रहा है कि दीदी फिर से वहाँ सरकार, ममता दीदी बनाने जा रही है। बंगाल में बीजेपी ने सारी ताकत झोंकी थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर बीजेपी वहाँ चुनाव लड़ रही थी। बंगाल की जनता ने औंधे मुंह पटका है बीजेपी को। बंगाल में राष्ट्रीय जनता दल का अनकंडीशनल सपोर्ट था वहाँ ममता दीदी को। जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, दीदी ओ दीदी, 2 मई दीदी गई, अब तो 2 मई दीदी फिर से आ गई, बीजेपी वहाँ कुछ नहीं कर पाई, अब तो बंगाल की जनता खोज रही है बीजेपी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, दादा ओ दादा, ये क्या हो गया, बीजेपी किस तरह बंगाल में चुनाव हार गया। तो अब तो बंगाल में बंगाल की जनता ने खेला कर दिया, जो ममता दीदी ने कहा था खेला होबे, खेला हो गया बीजेपी का। वहाँ बंगाल में खेला हुआ, अब बिहार में खेला होगा। तो सुना आपने, बीजेपी काफी पीछे है ममता बनर्जी से। आपको बता दें, जहां ममता बनर्जी ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है, तो वहीं अभी तक बीजेपी सैकड़ा भी नहीं पूरा पाई है, यानी कि 100 तक भी उनके सीट नहीं गए हैं बीजेपी के। तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे है बीजेपी, और अब सब लोग ममता बनर्जी को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 292 सीटों के रुझानों में टीएमसी 205 और बीजेपी 84, लेफ्ट एवं अन्य पार्टियों की अगर बात कर ले तो 2 सीटों से केवल आगे चल रहे हैं। रुझानों में ममता बनर्जी की इतनी बड़ी जीत होते देख एक बात तो साफ हो गया है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से दिए गए अब की बार बंगाल में 200 के पार का नारा पूरी तरह से फेल साबित होते हुए नजर आ रहा है। कोरोना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत लगभग सभी केंद्रीय मंत्रियों की पश्चिम बंगाल में रैलियां हुई, जिसके बाद भी अकेली ममता बनर्जी पूरे बीजेपी ब्रिगेड पर भारी पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में यह राजनीतिक गुणा भाग शुरू हो गया है कि आखिर ममता बनर्जी को किस वजह से जीत मिली है। जी हाँ, तो इस तरह की राजनीतिक गुणा भाग जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि ममता बनर्जी जीत रही है बंगाल को। एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रही है ममता बनर्जी। लालू प्रसाद यादव ने भी बधाई दी है, तेजस्वी यादव ने भी बधाई दी है, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी को बधाई दी है। साथ ही साथ आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता नेता ममता बनर्जी को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।